मैं हूं आपके साथ सचिन मेवाड़ और आज हम पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत के इतिहास में प्रांतीय राज्यों के उदय के अंतर्गत बंगाल के बारे में। बंगाल के बारे में हम पिछले जो वीडियो है उसमें भी समझ चुके हैं, लेकिन एक दो शासक थे वो अब भी मांग कर रहे हैं कि हमें भी इस लेक्चर में शामिल किया जाए, इसलिए हम इसके बारे में भी थोड़ा बहुत जान लेते हैं। देखिए, पिछले जो लेक्चर हैं उनमें हमने बारबक के बारे में जाना था, और आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो कहाँ से करने वाले हैं, तो हम करने वाले हैं, ठीक है, अलाउद्दीन हुसैन शाह के बारे में। ठीक है, अलाउद्दीन हुसैन शाह के बारे से हम आज स्टार्ट करेंगे, और देखिए ये कहाँ जाके खत्म होता है। तो अलाउद्दीन हुसैन शाह, अलाउद्दीन हुसैन शाह जो है उसका शासनकाल कब से कब तक है, तो 1493 से लेके इसका शासनकाल जो माना जाता है वो 1500 कब तक माना जाता है, 18 तक माना जाता है। ठीक है, तो 1493 से लेके 1518 तक इसका शासनकाल माना जाता है अलाउद्दीन हुसैन शाह। चलिए, शासनकाल तो मान लिया, लेकिन एक बात आपको याद रखनी है, इसके द्वारा किस वंश की स्थापना की जाती है, तो इसके द्वारा बंगाल में हुसैन वंश की स्थापना की जाती है। ठीक है, उससे पहले हम इलियास वंश के बारे में जान रहे थे, अब देखिए इसके द्वारा हुसैन वंश की क्या की जाती है, स्थापना की जाती है। ठीक है, लेकिन इसने कुछ उपाधियां धारण की थी, इसके द्वारा कुछ उपाधियां धारण की जाती हैं, कौन कौन सी महत्वपूर्ण उपाधियां थी उनके बारे में समझिए। देखिए, इसने एक उपाय धारण की थी जगत भूषण, कौन सी उपाधि धारण की थी, जगत भूषण की उपाधि धारण की थी। दूसरी जो उपाधि धारण की थी वो थी खलीफतुल्ला, कौन सी उपाधि धारण की थी, तो खलीफतुल्ला की उपाधि धारण की थी। ठीक है, इसके बाद जो एक और उपाधि इसके तो देखिए आप लोगों को बड़े हल होगा जगत भूषण की उपाधि इसने क्यों धारण की, क्योंकि ये तो एक मुसलमान था। एक इसके द्वारा उपाधि धारण की गई थी निरपति तिलक, कौन सी उपाधि धारण की गई थी, निरपति तिलक की जो उपाधि है वो धारण की गई। तीन उपाधियां जगत भूषण, खलीफतुल्ला, खलीफतुल्ला और निरपति तिलक। ठीक है, ये दोनों जो उपाधियां हैं वो हिंदू शब्दावली से संबंधित है। इसको जो भारतीय हिंदू थे यानी कि जो बंगाल के हिंदू थे वो क्या कहते थे, तो इसको कहते थे कि ये कृष्ण का अवतार है। किसका अवतार है, किसका अवतार मानते थे इसको, कृष्ण का अवतार मानते थे। ठीक है, किसका अवतार मानते थे इसको, कृष्ण का अवतार मानते थे। चलिए कोई बात नहीं, कृष्ण का अवतार इसको मान लिया, लेकिन बाबर जो है, कौन सा बाबर, मुगल वंश वाला बाबर, ठीक है, तो जो बाबर जो है वो इसको क्या मानता था, तो वो इसको सैयद मानता था। क्या मानता था, सैयद मानता था, लिखना है बाबर किसको, हुसैन शाह को, ठीक है, बाबर हुसैन शाह को सैयद मानता था। अब आप लोग ये सोचोगे कि साहब इसका शासनकाल 1493 से लेके 1518 है, बाबर तो बाद में आएगा। ठीक है, तो उसने इसके जाने के बाद बोलता है, ठीक है, क्योंकि इसके जब पुत्र का शासनकाल आएगा तो बाबर का क्या होगा, आक्रमण होगा। देखिए बाबर क्या बोलता है इसको, हुसैन शाह का नाम उसको देता है, ठीक है, क्योंकि वो मानता था कि जो ये हुसैन शाह है वो कौन है, वो सैयद है। ठीक है, अब देखिए
अलाउद्दीन हुसैन शाह जो है ये चैतन्य महाप्रभु का नाम आपने सुना है, ठीक है, चैतन्य महाप्रभु का समकालीन था। किसका समकालीन था? चैतन्य महाप्रभु का क्या होता है? समकालीन था। चैतन्य महाप्रभु कहते थे कि अपनी जो क्रियाएं हैं, अपना जो समय है और अपना जो वजूद है उसको क्या करो, इंजॉय करो, ठीक है, उसके साथ जियो, भगवान की जो भक्ति है उस भक्ति के पीछे जियो, अवतार के या फिर कर्म के पीछे नहीं जीना है। आपको बिना उद्देश्य के, बिना कुछ किए ही उस भक्ति भाव के पीछे जाना है, कोई कर्म, कोई कांड, कोई जिम्मेदारी, उन सब से दूर रहना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, चैतन्य महाप्रभु, मीराबाई, रामदास, ये सारी चीज़ें तुम्हारी सेकंड बुक जो है उसमें पढ़ी जाएंगी। चलते चलते जोर से पुकारना, कहीं बैठे हो अचानक नाचने लग जाना, बहुत सारी बात बताते हैं। तो देखिए, चैतन्य महाप्रभु कैसे क्या थे, समकालीन थे, और चैतन्य महाप्रभु का क्या किया था उन्होंने, बहुत ही सम्मान किया था, ठीक है। तो इसमें लिख देना है, क्या लिख देना है कि हुसैन शाह ने चैतन्य महाप्रभु को काफी सम्मान दिया, ठीक है, काफी सम्मान दिया। चलिए, और कोई महत्वपूर्ण बात इनके टाइम की जो तुम्हें याद हो? इनके समय पर एक जो महत्वपूर्ण चीज घटित हुई थी वो तुमको याद रखनी है, ठीक है। तुम लोग ऐसा मत करते ना, बीच में की कॉपी में ऐसे की दो। इसके समय पर रूपा और सनातन, हाँ, रूपा और सनातन, रूपा और सनातन, ये कौन थे? इस नाम के दो सचिव थे जो इसके दरबार में थे। तो रूपा और सनातन नाम के दो सचिव हुसैन शाह के दरबार में थे, ठीक है। चलिए, कोई बात नहीं, लेकिन एक और चीज जो है इनके समय पर घटित होती है वो ये है, विगत माधव और ललित माधव, क्या क्या, विगत माधव और ललित माधव नामक दो ग्रंथों की रचना कौन करता है? लिख लेना तुमको, विगत माधव और ललित माधव की रचना किसके द्वारा की जाती है, किसके द्वारा की जाती है? तो स्वरूप गोस्वामी के द्वारा की जाती है, स्वरूप गोस्वामी, ठीक है। दोनों किताबें महत्वपूर्ण है, विगत माधव और ललित माधव, इनके जो रचयिता थे वो स्वरूप गोस्वामी थे, ये तुमको याद रखना है, ठीक है। चलिए, तो अलाउद्दीन हुसैन शाह 1493 से 1518 तक शासन करते हैं, हुसैन वंश की स्थापना करते हैं। उपाधि जो है वो जगत भूषण खलीफतुल्लाह नृपति तिलक की पाई दी जाती है। जो बंगाल के जो हिंदू थे वो इनको क्या मानते थे, कृष्ण का अवतार मानते थे। बाबर जो था वो उनको सैयद मानता था, ठीक है। चैतन्य महाप्रभु के समकालीन थे और चैतन्य महाप्रभु को इन्होंने क्या दिया था, काफी सम्मान दिया था। इसके अलावा इनके दरबार में रूपा और सनातन नाम के दो क्या रहते थे, सचिव रहते थे। इसके अलावा विगत माधव और ललित माधव की रचना की जाती है स्वरूप गोस्वामी के द्वारा। अब देखिए, इनके समय पर कुछ और महत्वपूर्ण घटनाएं भी होती हैं, जैसे देखिए कौन सी, जैसे बड़ा सोना, कैसा सोना, बड़ा सोना और काम रसूल,
ठीक है, बड़ा सोना और काम रसूल नामक दो मस्जिदों का क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है। दो मस्जिदों का निर्माण करवाया जाता है, ठीक, इसके द्वारा दो मस्जिदों का निर्माण कराया जाता है, बड़ा सोना और काम रसूल नामक दो मस्जिदों का क्या करवाया जाता है, निर्माण कराया जाता है, ठीक है। अब देखिए ये सब कुछ इसके द्वारा करवाया जाता है और हो गया, ये इसके बारे में महत्वपूर्ण था। अब मैं इसको मिटाने वाला हूं, अब तुमको जो स्क्रीनशॉट लेना है या कोई सा भी हेडशॉट लेना है ले लो, ठीक। चलिए अलाउद्दीन हुसैन साहब को विदा करते हैं, रिवीजन में काम है। तो अलाउद्दीन हुसैन साहब 1494 से 1558 तक क्या करता है, शासन करता है, हुसैनगंज की क्या करता है, स्थापना करता है, जगत भूषण रसीदुल्ला नृपति तिलक की पाई धारण करता है, विष्णु का अवतार था, बाबर इसको सैयद मानता था, ठीक है, चैतन्य महाप्रभु का समकालीन था, रूपा और संतनाम नाम के दो इसकी क्या थे, सचिव थे, विगत माधव नृत्य माधव की रचना करता है, स्वरूप गोस्वामी, बड़ा सोना, काम रसूल नामक मस्जिदें इसके शासनकाल में बनवाई जाती हैं, जी। चलिए हो गया, अब देखिए इसके बाद में कौन आता है, तो इसके बाद में इसका लाला यानी कि इसका बेटा कौन आता है, गयासुद्दीन, कौन आता है, गयासुद्दीन। अब कितने सारे गयासुद्दीन आ गए, गयासुद्दीन तुगलक आ गया, गयासुद्दीन बहादुर आ गया, और एक और नया गयासुद्दीन आ गया, गयासुद्दीन महमूद शाह, गयासुद्दीन महमूद शाह, ठीक है। तीनों को आपको अलग अलग रखना है। गयासुद्दीन तुगलक जो था वो तुगलक वंश का संस्थापक था, गयासुद्दीन तुगलक के समय बंगाल ने विद्रोह किया वो गयासुद्दीन बहादुर था, और हुसैन वंश का गयासुद्दीन महमूद शाह जो होता है वो अलाउद्दीन हुसैन शाह का बेटा होता है, ठीक है। चलिए देखिए इसके समय कुछ खास ऐसा नहीं हुआ जैसा कि अलाउद्दीन हुसैन शाह के समय हुआ था, लेकिन इसके समय जो चीज हुई वो काफी महत्वपूर्ण है। पहली चीज, इसके समय पर क्या हुआ, बाबर का आक्रमण हुआ, ठीक है, क्या हुआ था इसके समय पर, बाबर का क्या हुआ, आक्रमण हुआ, और इसने बाबर से क्या कर ली, संधि कर ली। इसका शासनकाल जो है वो शांति पूर्वक चलता है, शांति पूर्वक इसका पूरा शासनकाल रहता है, ठीक है। और इसके समय पर ही, इसके समय पर ही क्या होता है, इसके समय पर ही क्या होता है, ये जो बंगाल का ये जो वंश है वो क्या हो जाता है, पतन की ओर अग्रसर हो जाता है, इसकी ओर पतन की ओर क्या हो जाता है, अग्रसर हो जाता है, ठीक है। पतन की ओर अग्रसर हो जाता है, उसके बाद क्या होता है, शेरशाह सूरी इसे जीत लेता है, क्या करता है, शेरशाह सूरी इसको जीत लेता है, क्योंकि बाबर, बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद शेरशाह सूरी, फिर शेरशाह सूरी के बाद फिर हुमायूं, ठीक है, उसके बाद फिर अकबर, और ऐसे ऐसे। तो शेरशाह सूरी क्या करता है, इसे जीत लेता है और दिल्ली में मिला लेता है, और दिल्ली में मिला लेता है, ठीक है। यानी कि उस समय जब स्वतंत्र हुआ और वापस से किसी मिल गया, दिल्ली से अलग हुआ, दिल्ली में मिल जाता है, और शेर शास्त्री के बाद क्या करता है, कौन, अकबर, अकबर ने इसे
पुणे दिल्ली का भाग बना दिया। तो वापस से क्या किया, दिल्ली का भाग बना दिया। चलिए आप लोगों को कमेंट्स करके ये बताना है कि बंगाल बिना देखे, ठीक है, ऐसा नहीं कि कॉपी जाके देखो, तो बंगाल जो है वो किसके नेतृत्व में स्वतंत्र हुआ था, ठीक है, ये कमेंट करके तुमको बताना है। कॉपी को नहीं देखना, ठीक है, मुझे पता है कौन कौन जवाब दे सकता है कौन कौन नहीं दे सकता। अगर कॉपी देख के जवाब दिया तो फिर क्या, कुछ नहीं, सपने में कौन आएगा, कौन आएगा सपने में, डायनासोर, ठीक है। तो गया शब्द मेमूसा हो जाता है और इस प्रकार जो बंगाल है, जो क्रांतीय राज्य है, उसका क्या हो जाता है, समापन हो जाता है, ठीक है। तो बंगाल का क्या हो जाता है, समापन हो जाता है इस प्रकार मेमूसा के बाद में। अब देखिए, हमने प्रांतीय राज्यों के बारे में पढ़ लिया, कितने सारे प्रांतीय राज्य पढ़ लिए हम लोगों ने, विजयनगर पढ़ लिया, उसके बाद कश्मीर पढ़ लिया, उसके बाद मालवा पढ़ लिया, उसके बाद गुजरात पढ़ लिया, उसके बाद बंगाल पढ़ लिया, उसके पहले हमने रायचूर द्वाब का क्षेत्र था वो भी पढ़ लिया, ठीक। अब इतने सारे जो हमने पढ़ लिए हैं प्रांतीय राज्य, तो निश्चित है इनमें से एक ना एक प्रांतीय राज्य तो पूछा जाएगा, एक या दो तो कन्फर्म पूछे जाएंगे, ठीक है, तो इसलिए इससे बाहर नहीं जा सकता। अब देखिए, हम अगर बात करें राजस्थान के बारे में, अब थोड़ा राजस्थान के अंतर्गत भी आ जाएं, राजस्थान के अंतर्गत हम आए तो वो जो आता है वो है यहाँ पर एक महत्वपूर्ण जो राज्य माना जाता है वो है मेवाड़, ठीक है। लेकिन मेवाड़ जो है उसके बारे में आपने विस्तृत रूप से किसने पढ़ा था, प्रथम वर्ष फर्स्ट ईयर में सब लोगों ने पढ़ रखा होगा ना, जरूर पढ़ा होगा मेवाड़ के बारे में, राणा कुंभा, सांगा, महाराणा प्रताप, इन सबके बारे में पढ़ रखा है ना आप लोगों ने। तो बस ये सारे क्या थे, प्रांतीय राज्य होते हैं जो कि काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है प्रांतीय राज्यों का उदय या प्रांतीय राज्यों का पतन, कैसे भी करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इन्हीं दो प्रांतीय राज्यों का उल्लेख, किन्हीं तीन प्रांतीय राज्यों का उल्लेख, ठीक है, या फिर बंगाल के बारे में, या फिर मालवा के बारे में, कश्मीर के बारे में, जो एग्जामिनर का दिमाग करेगा उस प्रांतीय राज्य के बारे में पूछ सकता है। तो आपके 5 से 6 प्रांतीय राज्य जो हैं वो कंप्लीट करा दिए गए हैं, और इनमें जो है एक तुम्हारा बंगाल जो है ये महत्वपूर्ण है, एक मालवा और गुजरात, ठीक है। अब जो विजयनगर है वो दोबारा से आ जाएगा, इसमें विजयनगर बहमनी साम्राज्य का तुम्हारा जो टॉपिक होगा उसमें ये आगे वापस से क्या हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके आपका जो प्रांतीय राज्यों का जो उदय है वो जो लेक्चर है वो क्या होता है, समाप्त होता है, ठीक। अब तुम्हारा नेक्स्ट जो लेक्चर है वो हम लेंगे। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि ये लेक्चर इसी में स्टार्ट करूँ या फिर कोई नेक्स्ट वीडियो जो आने वाली है कल उसमें स्टार्ट करूँ, ठीक। तो आप लोगों को ये जो जितने भी लेक्चर हुए हैं ये कंप्लीट समझ आए, या फिर ऐसा कोई लेक्चर रहा है जिसमें थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो, ठीक है। हाँ, एक दो बच्चों को शायद कोई जैसे रिलेशनशिप होती है ना कि साहब उसके और उसके बीच में क्या संबंध था, ठीक है, जैसे अब हमने कोई भी शासक पढ़ा दिया तो साहब ये कौन था, ये कहाँ से आ गया, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। अगर एक क्वेश्चन पूछा जाए एक इतिहास के विद्यार्थी से, एक क्वेश्चन पूछा जाए कि भारतीय साक्ष्यों के अनुसार किसकी संतान है, तो क्या जवाब होगा इसका, ठीक है। अब ऐसे मत कहना साहब कि सनातन है, पहले से ही था, ये तो अजर अमर है, क्योंकि इतिहास को क्या चाहिए, साक्ष्य चाहिए, और वो चीज़ साक्ष्यों पर ही मानी जाती है, ठीक। तो देखिए आगे देखते हैं, अब देखिए
आगे जो है तुम्हारा जो लेक्चर है वो है विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के मध्य में संघर्ष, लेकिन इसमें क्या है हम इसके बारे में केवल चर्चा करेंगे, ठीक है। इनको जो राइटिंग है वो करनी है तो कर सकते हो। देखिए जो तुम्हारा लेक्चर है अगला वो है विजयनगर एवं बहमनी साम्राज्य, ठीक है। विजयनगर और बहमनी साम्राज्य का संघर्ष, ठीक। तो विजयनगर और बहमनी साम्राज्य का संघर्ष, लेकिन सबसे पहले हमने विजयनगर के बारे में थोड़ा सा जान लिया था, लेकिन इसमें जानने से पहले आपको समझना होगा, क्या समझना होगा कि जो संगम वंश है, किस कौन सा संगम वंश और संगम वंश के अधीन ही ये पूरा सब कुछ घटित होता है, ठीक है। अब ये संगम वंश जो है वो आया कहां से, सबसे पहला प्रश्न यही बनता है कि अगर हमने संगम वंश जो है वो डाल लिया है तो संगम वंश आया कहां से। तो आप लोगों को जानकारी तो होगी कि ये जो संगम था ये पिता था किसका, हरियर और बुक्का का, ठीक है, हरियर और बुक्का का। तो क्या इन लोगों के द्वारा ऐसे ही स्थापना कर दी गई, ठीक है, या इससे पहले ये कुछ और किया करते थे। हरियर और बुक्का कैसे अस्तित्व में आए, कौन थे, क्या थे, देखिए मैं आपको बताता हूं कि जो हरियर और बुक्का होते हैं, हरियर और बुक्का होते हैं ये पहले वारंगल, ठीक है, आपने वारंगल अभियान पढ़ा होगा, जब तुगलक वंश के आक्रमण हुए थे, खिलजियों के आक्रमण हुए थे और उससे पहले जो गौरी के आक्रमण हुए थे, तो वारंगल का क्षेत्र जो है जब भी बंगाल के आसपास आक्रमण होता था तो वारंगल वाले क्षेत्र पर आक्रमण होता था। इसके अलावा प्रताप रुद्रदेव पर जब आक्रमण हुआ था तो भी वारंगल के ऊपर क्या होता था, आक्रमण होता था। तो क्या था, वारंगल के शासक कौन थे, पिता रुद्र देव सेकंड, प्रताप रुद्र देव द्वितीय जो होते हैं वो शासक होते हैं, कहां के होते हैं, वारंगल के शासक होते हैं, ठीक है। चलिए देखिए अब इनके दरबार में क्या थे, ये इनके दरबार में क्या थे, ये इनके दरबार में अपनी क्या दे रहे थे, सैनिक सहायता दे रहे थे, सैनिक जो है वो सेवा दे रहे थे, ठीक है। लेकिन उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में ऐसा क्या हुआ, तो ये क्या करते हैं, पहले तो उन्होंने यहां सेवा दी, उसके बाद में कहां चले जाते हैं, तो उसके बाद में ये चले जाते हैं कामपिल राज्य चले जाते हैं और यहां पे जाके क्या बन जाते हैं, मंत्री बन जाते हैं, ठीक है, क्या बन जाते हैं, मंत्री बन जाते हैं। लेकिन इनकी किस्मत को जो उनका प्रमोशन हुआ था वो मौजूद नहीं था, मतलब स्वीकार नहीं था। हुआ क्या कि जैसे ही आप गए और जैसे ही जाके ये मंत्री बने तो यहां पे क्या हो जाता है, आक्रमण हो जाता है, किसका आक्रमण हो जाता है, किसका हो जाता है, तो मोहम्मद तुगलक का आक्रमण हो जाता है, ठीक है। किसका आक्रमण हो गया, मोहम्मद तुगलक का आक्रमण हो गया, इस पे आक्रमण हो गया, कामपिल राज्य पर आक्रमण हो गया, और कामपिल राज्य इतना बड़ा नहीं था कि इतने बड़े आक्रमण का क्या कर सके, सामना कर सके। लेकिन यहां से मोहम्मद तुगलक ने क्या किया, हरिहर और बुक्का, ठीक है, हरिहर और बुक्का को क्या किया, बंदी बना लिया, और बंदी बना के कहां ले गया, कहां ले गया, कहां ले गया, दिल्ली ले गया, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, दिल्ली ले गया, बेचारे तीन चार महीने के सफर के बाद पहुंच जाते हैं दिल्ली। आज जब दिल्ली ले गया तो दिल्ली में मोहम्मद तुगलक ने देखा दोनों भाइयों को, पहली जो समस्या उसके सामने आई वो थी भाषा, भाषा ही संपर्क नहीं हो पा रहा था, वो कहता था भाई खाना खाओगे, वो बोलते थे कप्पा डप्पा, ठीक है। तो उनसे बहुत दिन तक संपर्क संवाद बेहद कम था, कोई द्विभाषी बुलाना पड़ता था,
वो संवाद करवाता हूं उनके बीच में कि तो इनको क्या किया मोहम्मद तुगलक ने, क्या बना दिया मुसलमान बना दिया, ठीक है, हरियर और गुप्ता जो थे इन दोनों को क्या बना दिया मुसलमान बना दिया, ठीक है। अब जब उनको मुसलमान बना दिया तो बोला कि अब तुम्हें इसके लिए काम करना होगा, मेरे लिए काम करना होगा। तो बेचारे क्या करते, अगर मना करते तो गर्दन काटी जाती, बोले कि ठीक कुछ भी करवाओ तुम। तो इनको क्या करता है, दोनों भाइयों को जैसे ही ये बंदी बना के इनको दिल्ली ले आता है, तो जहां पर ये मंत्री के रूप में काम कर रहे थे, कहां पे काम कर रहे थे, काम पर राज्य में काम कर रहे थे, तो यहां पे क्या खड़ा हो जाता है, विद्रोह खड़ा हो जाता है, वहां का शासक विद्रोह कर देता है, वहां की जनता विद्रोह कर देती है, वहां के लोग विद्रोह कर देते हैं। तो इन दोनों भाइयों को कौन भेजता है, मोहम्मद तुगलक बोलता है भाई तुम दोनों जाओ और क्या करो, विद्रोह को दबा दो, विद्रोह को जाके दबा दो। और दोनों भाइयों ने कहा ठीक है जल्दी करो हमारी जाने की व्यवस्था, हम अभी दबा के आते हैं। और दोनों भाई वहां से निकल जाते हैं। अब ये दोनों भाई वहां से आ तो गए, और ये दोनों भाई ना कोई विद्रोह दबाने जाते हैं और सीधा कहां जाकर पहुंच जाते हैं, तो सीधा ये पहुंच गए थे विद्यारण्य के पास, इसके पास जाकर पहुंच जाते हैं, विद्यारण्य के पास पहुंच जाते हैं और बोलते हैं इसको जाके कि साहब ऐसे ऐसे मोहम्मद तुगलक ने हमको पकड़ लिया था, पकड़ के अच्छे खासे हिंदू थे और उसने मुसलमान बना दिया हमको, हमें क्या करो वापस से हिंदू बना दो। इनकी स्टोरी निकोली कोंटी के साथ मैच खाती है ना, निकोली कोंटी के बारे में आपने सुनी रखा है, ठीक है, तो निकोली कोंटी से क्या खाती है, मैच खाती है। तो वापस से जो विद्यारण्य जो होता है वो इनको क्या बना देता है, क्या बना देता है, हिंदू बना देता है, ठीक है। और उसके बाद तुंगभद्रा नदी के किनारे क्या की जाती है, दो नगरों की स्थापना की जाती है। एक नगर आप बहुत अच्छे से जानते हो, वो नगर होता है विजयनगर, ठीक है, और दूसरा नगर जो किया स्थापित किया गया था वो था विद्यानगर। विजयनगर का अर्थ होता है जीत का नगर और विद्यानगर का अर्थ होता है विद्या की नगरी, ठीक है। तो ये दो नगर जो है क्या किए जाते हैं, स्थापित किए जाते हैं, ठीक। आप देखिए विजयनगर की स्थापना कब की गई थी, 1336 में की गई थी, सबको याद है, सब बच्चे बच्चे को याद है। आप देखिए उसके बाद क्या होता है, शासक किसको बनाया जाए, हरियर को बनाया जाए, बुक्का को बनाया जाए। हरियर ने पूछा बुक्का से, बता भाई कोई समस्या तो नहीं है, क्या पता मैं राजा बन जाऊं तेरे मन में कोई ऐसी भावना दबी रह जाए कि तू विद्रोह कर दे या फिर कुछ और बवाल कर दे। उसने कहा कोई परेशानी नहीं है मेरी तरफ से, मेरे जो भाव हैं, मेरे जो संस्कार हैं, वो कुछ ऐसा करने की अनुमति नहीं देंगे, ठीक है। तो होता क्या है, होता यह है 18 अप्रैल, तब 18 अप्रैल 1336 में भगवान वीरूपाक्ष की उपस्थिति में, भगवान वीरूपाक्ष कौन से भगवान, शिव भगवान, ठीक है, तो भगवान वीरूपाक्ष की उपस्थिति में, उपस्थिति का मतलब वहां पे मूर्ति नुमा, ठीक है। तो वीरूपाक्ष की उपस्थिति में क्या होता है, हरियर का राज जब से होता है, हरियर को शासक बना दिया जाता है, किसका, विजयनगर साम्राज्य का, और जो भी तुंगभद्रा के आसपास का क्षेत्र था बोल दिया कि ये जो सारा क्षेत्र है वो किसका है, भगवान वीरूपाक्ष का है, और भगवान वीरूपाक्ष का मैं कौन हूँ, सेवक हूँ, और एक सेवक के रूप में क्या करता है, सत्ता का संचालन करता है, कौन, हरियर, ठीक है, यहाँ तो कोई परेशानी। और उसके बाद क्या होता है, जो बुक्का होता है, बुक्का को छोटा सा साम्राज्य दे दिया जाता है गुंटी का, और यहाँ पे शासक करता है, इसको क्या बोलते थे, दूसरी राजधानी बोलते थे, ठीक है, प्रशासन का एक केंद्र बोलते थे, उसकी धुरी बोलते थे। तो ऐसे करके ये जो साम्राज्य है, ये जो शासन व्यवस्था है वो जमाली जाती है हरियर के द्वारा। और इसके बाद क्या होता है, बहुत सारे लड़ाइयाँ होंगी, युद्ध होंगे, उनको हम कल कराएंगे, ठीक है, समझ में आया। विजयनगर की स्थापना, हरियर और बुक्का कैसे हिंदू से मुसलमान से हिंदू बनते हैं, ठीक है, और मोहम्मद तुगलक का आक्रमण देखा, सब कुछ समझ में आया। तो कल हम इसको दोबारा से रिवाइज करेंगे और थोड़ा लिखेंगे भी। तो उम्मीद है लेक्चर समझ में आया होगा, कोई भी चीज़ पूछनी है, समझनी है तो मुझसे पूछ सकते हो। तब तक के लिए
थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें।